निशाना तो बहना क्यों बहाना। जी हां, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से लाडली बहनों का एक वीडियो पोस्ट किया गया जिस पर विवाद बढ़ गया है। गाने में बोल ऐसे हैं जिसको लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताया, कहा कि ये वीडियो प्रदेश में शांति बिगाड़ने और लोगों में खौफ पैदा करने के लिए किया गया है। इसको लेकर मितेंद्र सिंह के खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज की गई है। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार कांग्रेस और आम लोगों की आवाज को दबा रही है। इसी पर करेंगे महाडिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। सीएम और लाडली बहना, महंगा पड़ गया गाना। उड़े जखम का गहना, भाजपा अब दूर ही रहना। कांग्रेस नेता पर FIR, शुरू सियासी तकरार। यहाँ की कानून व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है जो जिलों में जाके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार निशाना, बहना क्यों बहाना। कि कांग्रेस का एक एक नेता अपनी वंशावली में, अपनी चरित्रावली में महिला विरोधी है, इसलिए ढोसला मध्य प्रदेश में चलने वाला नहीं। मितेंद्र हमारा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, अगर उसने कोई जनता की आवाज को सोशल मीडिया से डाला, FIR हुई, ये अपने आप में धो मतलब दबाने, धमकाने, डराने की प्रोसेस नहीं है तो क्या है। मीडिया बाहर निकलने से डरते हैं, अब रोए लाडली बहना। लाडली बहना को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के पोस्ट किए गए गाने पर विवाद बढ़ गया है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस के नेता मितेंद्र के बचाव में उतरे हैं, तो वहीं बीजेपी इसको प्रदेश और बहनों को बदनाम करने की साजिश बता रही है। सवाल आता है, आखिर क्यों सरकार को घेरने के लिए बहनों का सहारा। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। तो अलग अलग जगह पर FIR दर्ज कर दी गई है। मुश्किलों में नजर आ रहे हैं मितेंद्र सिंह। हालांकि FIR के खिलाफ कांग्रेस नेता विरोध प्रदर्शन भी उन्होंने किया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर वीडियो के पीछे का जो मकसद क्या था, क्यों लाडली बहनों के सहारे सरकार पर वार किया गया। इसी पर करेंगे महाडिबेट, लेकिन पहले देख लेते हैं वो सवाल जिन सवालों पर आज की ये महाडिबेट फोकस करेगी। पहला सवाल रहेगा, सरकार निशाने पर है, सरकार पर हमला करना है तो फिर बहनों का सहारा क्यों लिया गया। भड़काना या आवाज उठाना, आप प्रवोक कर रहे थे या लाडली बहनों की आवाज उठा रहे थे, अंतर कितना है। सियासी लड़ाई में प्रदेश की किरकिरी क्यों कराई गई, क्यों इस तरह से मुद्दों को हवा दी गई कि पूरे प्रदेश की इमेज जो है वो बाकी राज्यों के सामने धूमिल की जाए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जूही वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुमन त्रिपाठी जी हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं, संगीता शर्मा जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मंजरी जैन जी हैं बीजेपी की प्रवक्ता हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, क्या आपत्ति है बीजेपी की इस वीडियो को लेकर। जिस तरह से ये वीडियो अपलोड किया गया और मध्य प्रदेश को जो बदनाम करने की साजिश है वो कांग्रेस के नेताओं द्वारा क्रमदर की जा रही है, एक साजिश के तहत की जा रही है। मैं समझती हूँ कि अगर ये महिलाओं के इतने सशक्तिकरण के हक क्या बोलते हैं हिमायती थे, तो फिर ये एक बहुत बड़ा कदम था लाडली बहना, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो लाडली बहना योजना शुरू की उसका आप मजाक उड़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप सिर्फ मुख्यमंत्री जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का भी अपमान है, उन लाडली बहनों का भी अपमान है जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद नहीं है, ये है अलोकतांत्रिक संवाद। आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने पर इतने निचले स्तर पर उतर आए हैं कि आप राजनीतिक चश्मे से हर चीज को इस तरीके से देखते हैं, आप निचले पायदान पर आकर खड़े हो गए, आपको सिर्फ नकारात्मकता का भाव नजर आता है, आपने कभी स्वस्थ परंपरा, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन नहीं किया। मैं इस तरीके की जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मैं उसकी खूब निंदा करती हूँ। और लाडली बहनों से, ये कांग्रेस के नेताओं से ये कहती हूँ कि आप लाडली बहनों से माफी मांगिए। आप ना सिर्फ जनता का अपमान कर रहे हैं, ना सिर्फ आप नेता का अपमान कर रहे हैं, लाडली बहनों का अपमान हो रहा है, आप बहनों का अपमान कर रहे हैं।
देखिए, मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहती हूँ कि जब 20 सालों से मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर वन है, महिलाओं के साथ रेप और गैंग रेप में नंबर वन है, हर बार पूरे देश में मध्य प्रदेश कलंकित होता है, तब इन्हें मध्य प्रदेश का अपमान नजर नहीं आता है, तब इन्हें बहन बेटियों का अपमान नजर नहीं आता है, और जब लाडली बहनाएं सड़कों पर जाती है, थानों में जाती है, उनके साथ रेप हो जाता है, थाने दर दर भटकती हैं और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तब ये भाजपा नेता कहाँ होते हैं? उनकी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए क्यों नहीं जाते? क्यों ये महिला नेताएं भाजपा की आंदोलन नहीं करती है? और आज जब हमारे युवा नेता, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह जी ये बात कहते हैं कि महिलाओं का सुरक्षा कीजिए, महिलाओं का ध्यान दीजिए, वो लाडली बहनाओं का ध्यान दीजिए जो लाडली बहनाओं के साथ रेप गैंग रेप की घटना हो रही है, बच्चियों के साथ रेप के बाद उनकी हत्या हो रही है, उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं, तो इन्हें मध्य प्रदेश का अपमान दिखाई देता है। इससे ज्यादा निर्लज्जता और क्या हो सकती है मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की, कि जब भाजपा के नेताओं द्वारा बेटियों के साथ, बच्चों के साथ रेप किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है, तब उन्हें बचाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज न हो, उसके लिए बड़े बड़े नेता मैदान में कूद जाते हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि महिला होने के नाते ये सियासत कर रही है, ये राजनीति से के दलदल से ऊपर उठकर बात क्यों नहीं करती है? जब हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कैंपेन चलाया है कि हम जन एक मिनट बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप नरम हो जाइए, आप मेरी बात सुन लीजिए, शर्म आना चाहिए आप लोगों को। जब पहलवान आपको पहलवान बेटियों के साथ भेदभाव कर रहा था, यौन शोषण कर रहा था, तब प्रज्वल रेवन्ना जब रेप कर रहा था महिलाओं के साथ, तब आपके भाजपा के नेता कहाँ थे? ठीक है सुमन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लगातार वारदातें तो हो रही है महिलाओं के साथ, प्रदेश की बच्चियों के साथ, जो डर होना चाहिए था अपराधियों के मन में, वो डर नजर नहीं आया। भले ही प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग स्तर पर यह कहा गया, रघुवंश सिंह बाथू कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन क्या मुद्दा उठाने का कोई और जरिया भी हो सकता था? बोले आप नहीं सुनूंगी संगीता जी, आपका प्रवक्ता से कहिए कि जब मेरा, ठीक है संगीता जी शांत हो जाइए, मंत्री जी आप भी शांत हो जाइए, देखिए बहुत कम समय मिलता है हमें डिबेट करने के लिए, तो प्लीज बाकी पैनलिस्ट की बात भी आने दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए संगीता जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए, इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती भारतीय जनता पार्टी? अरे आप सर आश्चर्य हो रही है, संगीता जी मंत्री जी शांत हो जाइए आप दोनों प्लीज, बाकी के दो पैनलिस्ट भी हैं यहाँ पर। आपकी महिला नेत्री नहीं, उनको शराब ऑफर की जाती है, उनके साथ अभद्रता की जाती है, महिला शर्म आ रही होगी उस जनता को जिसके मुद्दे की बात करने के लिए आप लोग यहाँ वाद विवाद कर रहे हैं, मुद्दे को आवाज दीजिए, लड़िए उनके लिए, लेकिन इस तरह से नहीं लड़िए प्लीज। सुमन जी आप अपनी बात रखिए, हमारे ऊपर एफआईआर की जा रही है, जब हम महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सुमन जी बोलिए प्लीज। मितेन जी ने जिस तरह इस मुद्दे को उठाया है उसके और भी तरीके हो सकते थे जाकर के, अब वो बाद में जैसे अपना बयान दे रहे हैं कि उन बहनों का ये है जिनके बेटी के साथ, जिनके उनके साथ में जो रेप वगैरह हो रहे हैं, तो उसका एक तरीका ये भी था कि उन बहन बेटियों के साथ जाके खड़े होना था, धरना देना था, लेकिन इस तरह उसको वीडियो के माध्यम से ना दिखाना उनको चाहिए, उसके और भी तरीके हैं। वहीं अगर हम बीजेपी की बोले तो बीजेपी ने भी ये गलती की है कि इतनी बात को लेके उसका और भी दूसरे तरीके थे और उन्हें एफआईआर दर्ज करा दी, और ये इन छोटे छोटी चीज़ों को उन्हें भी थोड़ा सा मान के चलना चाहिए, बल्कि उन्होंने मितेन सिंह को और बात को और सब जगह फैला दिया है, जो अभी इतनी नहीं फैल सकती थी उसको उन्होंने तवज्जो दे दी है, यानी कि लाइमलाइट पे ले आए मितेंद्र सिंह की बात को या कांग्रेस के इस वीडियो को खुद बीजेपी वाले ही। जूही वर्मा जी
जी बिल्कुल, मैं सुमन जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा अगर सुर्खियों में कोई है तो मितेंद्र जी है, और जो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा था, अलबत्ता अभी वो डिलीट हो चुका है, वो भी उसको सर्च कर रहे हैं, उसकी डिटेल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जो बीजेपी वाले उसका इतना बड़ा शगुफा बना रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने उसको इतना ज्यादा पुश नहीं किया था। लेकिन एक बात जो इस पूरे इशू में देखने वाली है कि लाडली बहना जो है वो भी एक बहुत सेंसिटिव इशू है प्रदेश के लिए। एक तरह से हम कहें तो जो 2024 के जो 2023 के विधानसभा चुनाव थे उसमें गेम चेंजर वही योजना थी। तो ये वीडियो बनता विमेन अगेंस्ट क्राइम जो भी है उस पर आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिस भी प्रदेश की बात हो। और एक बात जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि इससे प्रदेश की छवि दूसरे प्रदेशों में धूमिल करने की साजिश रची जा रही है, ये साजिश नहीं है, ये फैक्ट हैं जो बोले जा रहे हैं। लेकिन इसमें बीच में लाडली बहना को नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि वो ऑल टुगेदर एक अलग मामला है, एक ऐसा इशू है जिससे पूरे प्रदेश की बहनों का जुड़ाव है। तो अब ये भी बहुत संभव है कि ये लाडली बहना को लाकर ये हाईलाइट बटोरने की ही कोशिश थी, जिसमें वही बात ना कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का तो एग्जाम्पल दिया जाता है बाकी के राज्यों में। ये एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे जो कामयाबी बीजेपी को मिली उसका जिक्र बाकी के स्टेट्स में भी होता है, और उस लाडली बहना को इस तरह से उनके मुद्दों को उठाना, मुद्दे सही है, अपराध हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन लाडली बहना को दिखाते हुए इस तरह से इस मुद्दे को उठाना, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। संगीता जी, देखिए मैं आपको बता देना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, पहले तो उनसे कहिए कि बीच में ना बोले, जब सत्य सामने आता है तो ये चिल्लाने लगते, विचलित हो जाते हैं, तो इनसे कहिए कि मेरा वक्त पूरा हो जाए तब इन्हें जो बोलना है बोले, क्योंकि जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। अब आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि लाडली बहना यो। अच्छा संगीता जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एमपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मितेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू बुलाने के लिए जी। आपने तो आपका काम तो बीजेपी ने ही आसान कर दिया, FIR करवाकर इतना लाइमलाइट में आ गया है आपका ये वीडियो पोस्ट करना और उसको लेकर। देखिए पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया यहाँ आके अपनी बात को रखने का, शुक्रगुजार हूं मैं। और रही बात इस बात को रखने के लिए, जैसे मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे कहा है कि लाडली बहना अच्छी बात है, योजना, मेरा वक्तव्य सुनिएगा, पर लाडली बहना ही अगर खतरे में है तो उस लाडली बहना योजना का आप क्या करोगे। मेरी बात सिर्फ इतनी थी कि हम कानून क्यों नहीं बना रहे उन लाडली बहना के लिए, हम कानून क्यों नहीं बना रहे उन बच्चियों के लिए जिनके साथ दुष्कर्म और दुष्व्यवहार हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि जो दोषी हैं वो पूरे प्रदेश में बिना भय के घूम रहे हैं। अरे अगर आपको FIR करानी है तो आप कराइए ना दोषियों पे। हम लोग तो लाडली बहना के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मैंने क्या किया, एक माँ के दर्द को बयां कर दिया लाडली बहना के योजना में, एक पिता के दर्द को मैंने बयां कर दिया, तो मैंने क्या गलत किया। और अगर आप उस पर FIR करा रहे हैं तो आप मेरी आवाज नहीं दबा रहे हैं, आप उन माता पिता और मध्य प्रदेश की हजारों करोड़ों लाखों मायों की आवाज दबा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है, जो हमारी संगीता जी यहाँ आई हुई हैं, जो वो उठा रही हैं, जो जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं, उमंग सिंघार जी उठा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि अगर आप लाडली बहना की बात कर रहे हैं तो लाडली बहना के लिए सुरक्षा देने में आपको क्या हर्ज है। और जब 2017 में कानून बनाया था फांसी देने का, शिवराज सरकार ने ये बात आगे बढ़ाई थी, तो हम बोल रहे हैं उस कानून को लागू करो ना, वो क्यों अधर में लटक गया। सरकार आपकी है सेंट्रल में, तो मैं हक की बात कर रहा हूं ना, मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं। मितेंद्र सिंह जी, लेकिन क्योंकि महिला कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी, जीतू पटवारी और आप तमाम लोग जो हैं सरकार पर हमलावर है ही महिला अपराधों को लेकर, वीडियो के जरिए लाडली बहना इस शब्द का इस्तेमाल करके मध्य प्रदेश की छवि धूमिल की गई, मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई, ये आरोप है आप पर, इसीलिए FIR कराई गई है। देखिए छवि धूमिल तब होती है, इससे छवि धूमिल नहीं होती कि हमारे बहनों के साथ 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है। हमारे शिक्षा के अंदर जो हमारे शिक्षा कर्मी हैं उनको जो व्यवस्थाएं सरकार नहीं दे रही है नौकरी की, उससे छवि धूमिल नहीं होती है। हमारी छवि धूमिल पन्ना में जो 96 बच्चे जिनकी डेथ हुई है सोनोग्राफिक मशीन होने के ना कारण, उससे छवि धूमिल नहीं होती।
क्या बात कर रही हैं आप, छवि धूमिल होने वाले कार्य तो ये सरकार कर रही है। आपने किसान को MSP दी क्या, उससे छवि धूमिल नहीं होती? आप किसानों को मार रहे हैं, उससे छवि धूमिल नहीं होती? गोली जो मारी थी भूल गए क्या आप लोग? हमने सिर्फ अपनी बहनों के लिए, और अभी ये जो आप मेरी आवाज में ये जो वजन देख रही है, दर्द है, ये भाव है मेरा कि अगर बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैंने लाडली बहना योजना का नाम नहीं लिया है, मैंने लाडली बहना की बात की है। तो लाडली बहना अगर आपने योजना बना दी तो हम अपनी बहनों को लाडली बहना करके संबोधित नहीं कर सकते क्या? और अब जब ये FIR हो गई है अलग अलग जगहों पर आपके खिलाफ, अगर ये FIR कर रहे हैं तो आप इनकी मानसिकता सोचिए। ये FIR होनी चाहिए उन दोषियों के खिलाफ, उन पापियों के खिलाफ जो नरसंहार कर रहे हैं। मुरैना में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, कहां है उसके खिलाफ? 14 साल की बेटी के साथ टीकमगढ़ में हुआ है, इंदौर में हुआ है, कौन सा जिला बता दूं जिसमें नहीं ये दुष्कर्म हुआ है? सतना में हुआ, रीवा में हुआ, भोपाल में तो 1 हफ्ते में 3 बच्चियों के साथ हुआ। तो मैंने अगर उनकी रक्षा की बात कर दी, मैंने उनकी सुरक्षा की बात कर दी लाडली बहना की, तो मैंने क्या गलत किया? आप बताइए जी, एक और सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि कोई और तरीका हो सकता था? मैं लाडली बहना बोलना बंद कर दूं क्योंकि ये भाजपा की कैंपेन है तो बेटी बचाओ बोल देता हूं मैं? अगर इतना ही दर्द है तो हम तो बेटी बचाओ का कैंपेन चला ही रहे। तो आप खुद सोचिए ना मानसिकता, मतलब अगर इन्होंने लाडली बहना बोल दी किसी योजना को लाके, तो हम अपनी बहनों को लाडली बहना बोलना छोड़ दें? किसी का ठप्पा लग गया है क्या? संविधान में हर किसी को हक दिया है अपनी बात को रखने का, किसी का जोर नहीं है किसी पर। हम सिर्फ अपने बहन, अपनी बेटी, मेरी भी बेटी है और इनमें जितनी मेरी माए समान और दीदी समान बहने बैठी हैं, इनकी भी बच्चियां होंगी, मैं उन्हीं की तो रक्षा की बात कर रहा हूं। मैंने किसके लिए गलत कह दिया? मेरे शब्द गलत, और पहली बात मैं बताना चाहता हूं, उस वीडियो में तो मेरे शब्द भी नहीं है, मेरा वाक्य भी नहीं है, एक टेक्निकल टीम ने एडिट करके वीडियो डाला है। अगर मेरे शब्द भी होते तो समझ में आता। जी ठीक है मितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो यहां पर मंजरी जी, सुन लिया आपने, लाडली बहना बोल दिया इसलिए आप लोगों को ठेस लग गई, तो बेटी बचाओ बोल देंगे, लेकिन मुद्दा तो असली ये है कि बेटियों को बचाना है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना है। देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो हो रहे हैं वो आज से नहीं हो रहे, हमेशा से होते आ रहे हैं। वास्तव में ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन सरकार का जो काम है कि उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस के जमाने में तो थाने में महिलाएं जाने में डरती थी, आज हर थाने के अंदर वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और मितेंद्र जी बड़े ही उससे बता रहे थे कि मैं लाडली कहना छोड़ दूं, लाडली बहना कहना छोड़ दूं, तो ये उनकी जो अपरिपक्वता है वो दर्शाती है कि आप अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, कह रहे हैं कि अगर किसी ने कर दिया एडिट करके मेरी तो आवाज ही नहीं है, तो डाल तो आप रहे हो ना वीडियो, आपके आपके अकाउंट से वीडियो डाल रहे हो। कि अगर आप लोग इस पर इतना तूल ना देते तो इतना बड़ा मुद्दा ना बनता है, आप लोगों ने ही इसे लाइमलाइट बना दिया। अपर्णा जी, ये राजद्रोह का मामला है, और इस तरीके से आप माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि संवैधानिक पद पर है, उस संवैधानिक पद की गरिमा है, आप किस, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं, और यदि आप संवैधानिक पद शर्मा जी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, मुख्यमंत्री प्रदेश के होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, आपने उसका भी ख्याल नहीं किया, ये कह रही है मंजरी जी। देखिए, ये हमारी संवैधानिक अधिकार है, और हम मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को यदि प्रदेश और देश की बेटी बचाने के लिए आग्रह करते हैं तो उन्हें देशद्रोह क्यों लगता है? देशद्रोह उन्हें तो ये लगना चाहिए कि जो प्रदेश के अंदर बेटियों की रोज चीरहरण हो रहा है, इससे बड़ा अपराधियों के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज कीजिए ना, एक ऐसी नजीर पेश कीजिए कि किसी अपराधी ने जिसने रेप किया हो उसके ऊपर आप देशद्रोह, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाइए, और पूरी भाजपा पार्टी जाकर थाने पे बैठे और ऐसे मुकदमा दर्ज कराए जिससे आगे बच्चियों के साथ रेप ना हो। फांसी की सजा का प्रावधान है तो किसी एक को फांसी पर चढ़ाकर दिखाएं, ऐसी नजीर पेश करें, तब किसी बच्ची पर हाथ उठाने से पहले अपराधी के हाथ कांप जाना चाहिए। और हमारा
हमारा जो कैंपेन है और हम लोग जो लगातार जन जागरूकता फैला रहे हैं, हम लगातार बच्चियों के पैर पूजन से लेकर स्पीक अप से लेकर हर तरह से बेटियों को बचाने के लिए पूरे प्रदेश से आग्रह कर रहे हैं, समाज से आग्रह कर रहे हैं, हमारा तो भाजपा से भी आग्रह कि आप भी आइए। नवरात्र का मध्य प्रदेश बार का समय है, हम इसको हटाने नौमी पर अष्टमी पर कन्याओं की पूजा करेंगे, उनके पैर धुलाएंगे, लेकिन लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं क्या रुक पाएंगे जूही वर्मा? सही सवाल है। अभी जो पूरी राजनीति हो रही है वो एक वीडियो के आसपास हो रही है, पर सबसे बड़े सवाल का जवाब जरूर दिया जाना चाहिए कि ये जो वारदातें हो रही हैं इसमें क्या कार्रवाई हुई है। जब बीजेपी आलोचना कर रही है कांग्रेस की इतनी ज्यादा, तो उसको इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए कि कार्रवाई क्या हुई है, लगातार ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। और आज से नहीं, एनसीआरबी का पुराना डेटा भी हम उठाकर देखें तो हम प्रदेश बहुत से विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन में अव्वल नंबर पे भी रहा है। हालांकि अब नहीं है, मोहन सरकार में वो दर घटी है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जो लगातार रेप के मामले आ रहे हैं उसमें क्या कार्रवाई हुई है ये जनता के सामने बहुत ट्रांसपेरेंट रूप से रखने की जरूरत है, ताकि लाडली बहना और बेटी बचाओ जो है वो महज जुमला बन के ना रह जाए, उन पर लोगों का वाकई यकीन भी स्थापित हो सके। जी सुमन त्रिपाठी जी, मुद्दे को उठाया गया उसका सबसे पहले तो ये है कि पहला शब्द यही आता है कि उसके मुद्दे को उठाने के और भी जरिए थे। क्या कांग्रेस वहाँ जाकर के उन लोगों के साथ में, उन बहन बेटियों के साथ जिनका कह रहे कि रेप हुआ ये, उनके साथ विरोध कर सकती थी, उनके साथ घेराव कर सकती थी सरकार का? वो एक तरीका मानते, लेकिन जहाँ मेन वीडियो में जो लाडली बहनों को जोड़ दिया गया है, हमारे विधायक पहुंचे पर भाजपा का एक भी नेता वहां नहीं पहुंचा। जिस 3 साल की बच्ची को पानी में डुबाकर उसकी हत्या की गई थी, वहां हमारे दोनों विधायक कांग्रेस के पहुंचे थे, जबकि भाजपा का एक भी नेता वहां नहीं पहुंचा। आप भी कर रहे हैं कि आप बीच में बोल रहे हैं, सामने विधायक वाले को बोलने खुद दे रही हैं। बिल्कुल संगीता जी, आप ठीक है। देखिए हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो विषय है वो बड़ा है, विषय आपके हमसे सबसे बड़ा है, और ये है महिलाओं की सुरक्षा का, बेटियों की सुरक्षा का। हम सब की बेटियां हैं या हम सब भी खुद किसी न किसी की बेटी है, और इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा का सवाल बड़ा है। बहुत धन्यवाद एमपी की महा डिबेट में आप सभी का शामिल होने के लिए, और इस सियासी निशानेबाजी में जो विषय है वो नहीं दबना चाहिए, वो है कि महिलाओं को सुरक्षा का पूरा अधिकार है और इस अधिकार को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। एमपी की महा डिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।